सेन हकानी शख्स रहे हैं ये पाकिस्तान के सबसे नामूर गद्दारों में से एक है ये जर्नलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और फार्मर पाकिस्तान था इसने सियासत में उस वक्त कदम रखा जब हक का दौर चल रहा था पहले एक जर्नलिस्ट था लेकिन आहिस्ता इसने पॉलिटिक्स में इतने कदम जमा लिए जवान दिए नबे में नून लीग की हुकूमत आई और नवाज शरीफ वजे आजम बना तो ये नवाज शरीफ का स्पेशल असिस्टेंट बन गया था इस शख्स की गद्दारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तीन साल तक ये नून लीग के नारे लगाता रहा लेकिन जैसे ही उन्नीस तिरानवे के इलेक्शन में नवाज शरीफ हारा और बेनजी भुटो जीते तो ये ग्रेड की तरह रंग बदलता हुआ पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने पीपल्स पार्टी की इतनी खुशामद की आसफिस सरदारी ने इसे न सिर्फ अपनी पार्टी का स्पोर्ट पर्सन बना दिया बल्कि हाउस बिल्डिंग हा। फाइनेंस का भी चेयरमैन बन गया इसके बाद इसे श्रीलंका में पाकिस्तानी सभी के तौर पर तैनात कर लिया गया फिर दो में यह अमेरिका में पाकिस्तानी अंबेडर बन गया जब यह अमेरिका में गया तो वहाँ जाकर अंग्रेजों को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बकना शुरू कर दिया पहले इस गद्दार ने अमेरिकियों के सामने पाकिस्तान को गालियां दी फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक किताब लिखी जिसका नाम पाकिस्तान बिटवीन मॉस एंड मिलिट्री था बुक में इसने पाकिस्तान फौज और इस्लाम दोनों के खिलाफ बहुत ही गलत लिखे थे इसने हर वो काम किया जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता था आखिरकार इस गद्दार को पाकिस्तान से निकाल दिया गया और अब यह अमरीका की तलवे चढ़ता है